अपनी बात कहने का। सबसे पहले तो मैं एक मुक्तक आपके सामने रखता हूं, और ये मेरे हृदय से निकली हुई बात है, आप तक पहुंचे। शब्द ब्रह्म के अमित कोष से चुटकी भर लेता हूं, शब्द ब्रह्म के अमित कोष से चुटकी भर लेता हूं, फिर अपने पाठक श्रोता को अंजुलि भर देता हूं, फिर अपने पाठक श्रोता को अंजुलि भर देता हूं। मैं केवल विद्यार्थी हूं और विद्यार्थी ही रहूं प्रभु, मैं केवल विद्यार्थी ही हूं और केवल विद्यार्थी ही रहूं प्रभु, इसी कामना से बुद्ध जन को नमन सदा कर लेता हूं, इसी कामना से बुद्ध जन को नमन सदा कर लेता हूं। और किन्नौर अब तक की टीम के अतिरिक्त जितने भी बुद्ध जन हैं, जितने भी लेखक और कवि हैं, समाज का जो उद्धार करने के लिए, समाज को मार्गदर्शन करने के लिए जो कार्यरत है, उनके मुख का वर्णन करते हुए मैं कहता हूं कि प्रभु ने एक से एक बनाकर दिए हैं मुखड़े हमें अनेक, प्रभु ने एक से एक बनाकर दिए हैं मुखड़े हमें अनेक, दुविधा में हूं सबसे पहले किस मुख का करूं अभिषेक, दुविधा में हूं सबसे पहले किस मुख का करूं अभिषेक, उत्तम उत्तम तर सर्वोत्तम मानदंड ना अपनाऊं, उत्तम उत्तम तर सर्वोत्तम मानदंड ना अपनाऊं, सबके सम दर्शन करने का जागे जी में सतत विवेक, जागे जी में सतत विवेक। और किन्नौर अब तक के अलावा जो लोग भी मुझे पसंद करते हैं, मेरे प्रशंसक और मेरे काव्य के रसिक जितने लोग हैं, उनके लिए अर्पित है ये चार पंक्तियां। निर्झरणी कविता को झर झर घर धक तक पहुंचा देना, निर्झरणी कविता को झर झर घर घर तक पहुंचा देना। इसको मैं, ये जो रचना है, ये जो डॉक्टर विजय कुमार पुरी के संपादन में अनंत आकांक्षाओं के आकाश के साथ जो छपी है, इसमें बहुत से फोन आए, बहुत से लोगों ने इन सब पंक्तियों को बहुत पसंद किया, और मैं आज चाहता हूं कि आज भी आप भी सुने। निर्झरणी कविता को झर झर घर घर तक पहुंचा देना, इस निरानंद को चिरानंद के घर का पता बता देना, इस निरानंद को चिरानंद के घर का पता बता देना, ब्रह्मानंद सहोदर रसमय कर दे जीवन उपवन को, ब्रह्मानंद सहोदर रसमय कर दे जीवन उपवन को, शब्द सुगंधा रजनी गंधा सी मन में महका देना, शब्द सुगंधा रजनी गंधा सी मन में महका देना। मैं चिरानंद हूं, नाहन के समीप पस्त गांव में रहता हूं, सैन वाला, और मैं सेवानिवृत्त अध्यापक हूँ, हिंदी संस्कृत मैंने 37.5 वर्ष तक पढ़ाई, कुछ समय तक अध्यापकों की कमी होने के कारण मैंने कला अध्यापक का भी उत्तरदायित्व तो निभाया, और ये मेरी अभिरुचि भी रही है चित्रकारी में और काव्य में। तो निवृत्ति के बाद मैं निरंतर लिख रहा हूं, और बहुत कम उम्र से मैंने लिखना शुरू किया था। वो कुछ ऐसी रचनाएं हैं कि जो आज मुझे लड़कपन की लगती हैं, लेकिन उनमें से भी कई रचनाएं जो 52-55 साल पहले लिखी थी, वो बाद में मैंने जब किसी को प्रस्तुत की तो बहुत लोगों ने पसंद किया कि भाई ये वास्तव में अद्भुत रचनाएं थी। तो आज जो मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, ये किन्नौर अब तक की ही जो है गतिविधियों का और उनके मेरे प्रति स्नेह का कारण है।
आप लगभग 1 घंटा मुझे सुनेंगे और आपकी प्रतिक्रियाएं मेरे चाहने वालों की प्रतिक्रियाएं अगर मिलती रहेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। वैसे मैं आज ही अपने एक जंगली क्वार्टर नामक उपन्यास को पढ़ रहा था। मेरे मित्र हैं वन अधिकारी सेवानिवृत्त हुए दीनदयाल वर्मा, तो उन्होंने सुविधानंद पंत की एक पंक्ति एक उद्धृत की है कि लेखक केवल छपने के लिए ही नहीं लिखता, उसका जो आत्मसंतोष है वो ही सर्वोपरि होता है। उसके बाद वो तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कीरति भनति भूति भली सोई, और आगे वो है कि अगर वो भाषा निबंध में बंद करके सबके हित हो जाती है तो लिखने वाला जो लिखता है। मैंने भी जो लिखा है, मैं लगभग मैंने कहा 60-65 साल से लिख रहा हूँ, मैं इस वक्त 8वें दशक में चल रहा हूँ उम्र के, तो मेरे से जो कुछ लिखा गया वो आप लोगों को मैं आज कुछ कुछ प्रस्तुत करूंगा। समय मिलेगा तो और बार बार प्रस्तुत करूंगा। 4-5 किताबें मेरी गद्य की और पद्य की भी आई हैं, शायद मेरा परिचय इन्होंने दिया ही होगा नेगी जी ने, इनका मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ। अब मैं एक रचना आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और वो मेरी मन की भी पीड़ा है और वो समाज की भी पीड़ा है, और बहुत संभव है कि आप भी मेरे साथ सहमत होंगे। शीर्षक है कैसे मौन रहूंगा मैं, शीर्षक है कैसे मौन रहूंगा मैं। दिन को रात कहोगे, लंबी तान के दिन भर सो लोगे। दिन को रात कहोगे, दिन को रात कहोगे, लंबी तान के दिन भर सो लोगे, तो कैसे मौन रहूंगा मैं, तो कैसे मौन रहूंगा मैं। फिल्म और फैशन की दुनिया कहकर नंगे हो लोगे। फिल्म और फैशन की दुनिया कहकर नंगे हो लोगे, तो कैसे मौन रहूंगा मैं, तो कैसे मौन रहूंगा मैं। कि गठबंधन के बाद विरोधी भी सरकार चलाते हैं, वर कन्या अनजान सदा के लिए एक हो जाते हैं। विभिन्न उदाहरणों से मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूं कि गठबंधन के बाद विरोधी भी सरकार चलाते हैं, वर कन्या अनजान सदा के लिए एक हो जाते हैं। तिनका तिनका जोड़ के लंबी रस्सी भी देखी होगी, तिनका तिनका जोड़ के, तिनका तिनका जोड़ के लंबी रस्सी भी देखी होगी। नदियों के दो तट बंद करके पुल पुलिया कहलाते हैं, गांठ बांधना कहकर गर तुम, गांठ बांधना कहकर गर तुम बंधी गांठ को खोलोगे, तो कैसे मौन रहूंगा मैं, तो कैसे मौन रहूंगा मैं। दो आंखों के साथ एक विशेष ज्ञान की होती है। चंदन सिंह बिष्ट जी आ रहे हैं, मेरा ख्याल है बहुत लोग सुन रहे होंगे। मैं आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बीच बीच में आप आए तो मैं आपको धन्यवाद करना नहीं भूलूंगा। बहुत से मेरे 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 काव्य से जिनको जिनको थोड़ी कठिनाई होती है तो वो कहते हैं कि जी चिरानंद तो भाई भीख मांग के मांगता है तालियां। मैंने कहा भाई ये आपका स्वभाव है और मेरा स्वभाव है, मेरे भीख मांग करके भी मेरी कविता अगर लोगों के दिल तक पहुंचती है तो मैं तब भी आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही है कि मेरी बात संसार और ये समाज सुन सके। भाई राजेंद्र तिवारी जी का मैं आभार, राजेंद्र तिवारी जी का जिक्र करना तो मैं भूल नहीं सकता। ये वो विभूति है हमारे सिरमौर और हिमाचल की जो अनेक अनेक जो है लेखारियों को प्रकाशन देते रहे हैं। मेरे प्रति इनका जो है अनुग्रह है, मेरे प्रति जो इनका प्यार है वो